कामयाबी किससे कहते हैं कामयाबी किससे कहते हैं कामयाबी के डेफिनेशन कामयाबी के डेफिनेशन असल कामयाबी क्या है असल कामयाबी क्या है अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो तकवा इख्तियार करता है वही कामयाब है कामयाबी की पहली शर्त है अल्लाह की वहदानियत में यकीन जो ये मानता है कि अल्लाह वाहिद है अल्लाह एक है कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा इसलिए अल्लाह के वाहिद होने का एतराफ़ इंसान की पहली अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु कानून अला रसूलिल्लाह वसला रसोल्ला वाल अजमाईन अम्मा अजमाइन अम्माबाद व हज़रात अभी हमारे दरमियान आपके एक जाने माने मुकर्रर भी तशरीफ़ रखते हैं जो आलमी पैमाने पर जाने माने माहिर तालीम हैं जो तीस साल से ज़्यादा अरसे से आवाम में तालीमी बेदारी को फ़रो देने के लिए तालीम के मौजू पर लेक्चर देते रहते हैं हिंदुस्तान में तलबा और वालदेन की रहनुमाई के लिए साढ़े तीन हज़ार से ज़्यादा खिताब दे चुके हैं मुसलमानों के समाजी व तलीमी मसाइल पर एक हज़ार से ज़ायद मजामी तहरीर कर चुके हैं और इसी के साथ साथ तालीम के मौजू पर तकरीबन दस किताबों के आप मुशन्फ़ हैं जिनमें से बास किताबों के कई एडिशन शाये हो चुके हैं और साथ साथ आप पी टी वी के एक मकर्र हैं आपका प्रोग्राम शम इल्म तलबा वालदेन और इस के दरमियान बेहद मकबूल है मेरी मुराद है मुबारक कापड़ी साहब से जिनकी तकरीर का कावान है राज कामयाबी के मैं उन्हें इकबाल के शेर पढ़कर दावत सुखन दूंगा कि तालीम के तेजाब में डाल उसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर तासीर में इकसीर से बढ़कर है यह तेजाब सोने का हमला हो तो पत्थर का एक ढेर जनाब मुबारक कापड़ी साहब तशीफ़ लाएं और राज़ कामयाबी के हमें बताएं मुबारक कापड़ी साहब अल्लाम वरम्त ला वक्त नहमदून रसोल रसोलकर करीम अम्माबाद मोहतरम हजरत ग्रामी बात ख़वात प्यारे बच्चों और बच्चियों अलहदुल्ल जिस मौजू पर मैं आपसे मुखातब हूँ वह है रज कामयाबी के यकीन इसमें सिर्फ स्कूल और कॉलेज के एग्जाम या इम्तहान की कामयाबी की ही बात नहीं होगी मेरा टारगेट मेरा निशाना मेरा तखातुब यकीन वो नौजवान तलबा तालिबात होंगे ही होंगे लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ताल्लुक़ से भी इन आज यहाँ पर तफसी गुफ्तु करेंगे कि कामयाबी किससे कहते हैं कामयाबी के डेफिनेशन क्या है किसे कहते हैं कि कामयाबी असल में हासिल हुई असल कामयाबी क्या है ये जानना हमको तो इसलिए ज़रूरी है कि हम देखते हैं कि नाम निहात कामयाबियां किसी को जब हासिल होती हैं खूब खूब कामयाब हैं मादी तरीके से भी खूब कामयाब हैं वो खूब दौलत उनके पास आई शरबत आई शोहरत आई लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो जहनी इंतजार का शिकार हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और उनमें से कुछ लोग हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस करोड़पति और अरब पतियों के बच्चे जो हैं वो जिंदगी का एक इंतहाई कदम भी उठाने से कभी चुकते नहीं हैं इसका नाम है खुदकुशी वो खुदकुशी पर भी आमादा होते हैं इस दर्ज कामयाब होने के बावजूद तो वजह क्या है कि आखिर कामयाबी किससे कहते हैं आज वो कौन से अनासर है कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कामयाबी हासिल होती है जिनको मिलकर कामयाबी मिलती है हम इसके ताल्लुक से आज तफी गुफ्तु तफसीली बात करेंगे हौदिन हजरा कामयाबी की पहली शर्त है अल्लाह की वहदानियत में यकीन जो ये मानता है कि अल्लाह वाहिद है अल्लाह एक है कामयाबी की पहली शर्त ये है वरना वो कितना ही कामयाब क्यों ना हो किसी दर्ज कितना ही बड़ा कामयाब हो मादी तौर पर मेटरसिक तरीके से लेकिन अल्लाह की अल्लाह वाहिद है उसका अगर इकरार नहीं करता है तो वो कामयाब नहीं है इस शुर ज़मीन के आखिरी किताब किताब मबीन कुरान मजीद जो है वो मुकम्मल कुरान मजीद अल्लाह की वाहदानियत अल्लाह वाहिद है उसका ऐलाननामा है जा बजा इसका जिक्र है सुरखलास सूर्य नंबर एक सौ बारह आयत नंबर एक था चार नाम सूर्य नंबर आयत नंबर एक सौ दो सूर्त तहा सूर्य नंबर बीस आयत नंबर अट्ठानवे सुर हश्र सूर्य नंबर फिफ्टी नाइन आयत नंबर बाईस कई जगहों पर जो है वो अल्लाह ताला कुरान में वहदानियत अल्लाह की वाहदत का ऐलान जो है वो तफसली तौर पर सिर्फ इसलिए है और वह कामयाब शख्स इसलिए है अल्लाह का वाद मानने वाला कि वो कभी भी किसी किस्म के फ्रस्टेशन और मायूसी का कभी शिकार नहीं होगा अल्लाह वाहिद है ये मानने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा जब भी कभी उस पर कोई मुसीबत आ जाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा अल्लाह से मदद मांगेगा वो इस धरती पर इस कायनात में किसी का मोहताज नहीं है सिवाय अल्लाह के इसलिए Allah के वाहिद होने का एतराफ इंसान की पहली कामयाबी है इंसान की दूसरी कामयाबी यह है या कामयाबी की दूसरी शर्त यह कि किसी भी इंसान के सामने उसकी जिंदगी का मकसद उसका नजबुल उसका गोल वाज हो कि यह मेरी जिंदगी का मकसद है यह मेरा गोल है यह मेरा मकसद है यह मुझे हासिल करना है यह गोल जो है मकसद मंजिल ये कामयाबी की दूसरी शर्त है अब ये मकसद और ये गोल इसको सेट कैसे करें कैसे इसको तरतीब दें कैसे इसको समझें सुन लीजिए खात नजरा कि हर इंसान की जिंदगी का मकसद या नजमुल नजबुलन या इस गोल को इस मकसद को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं एक है लॉन्ग टर्म गोल तवील मुद्दती मकसद और दूसरा शॉर्ट टर्म गोल या कलील मुद्दती मकसद लॉन्ग टर्म गोल हर इंसान का हम आप में से हर एक इंसान का यही होना चाहिए कि चूंकि हम जन्नत से आए हैं इसलिए हमको दोबारा जन्नत में जाना है ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है इसका मतलब ये हुआ कि हमको वो सारे काम करने हैं जो जन्नत में जाने के ज़रिए बने और इसके लिए मंशूर अल्लाह ने दिया है एक मैनिफेस्टो दिया है जो जिंदगी का एक इस कायनत में सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है और वो है सुर असर शुर नंबर एक सौ तीन जिसमें अल्लाह तय किया है कि इस कायनात का इस धरती पर इस इंसान का जिंदगी का मकसद क्या है तोी इज़ीन आम अनुआमिहात वत व सोबिल वत वो बिल सब्र जमाने की कसम दर हकीकत इंसान खसारे में है नुकसान में है या नाकाम है सिवाय उनके अब यहाँ से अल्लाह तला कामयाबी की डेफिनेशन शुरू कर देते हैं सिवाय उनके कामयाबी के डेफिनेशन यहाँ पर अल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए नंबर एक जो नेक आमाल करते रहे नंबर दो जो एक दूसरे को हक़ की नसीहत करते रहे नंबर तीन और सब्र की तलकिन करते नंबर चार इस चौखटे में इस मुरब्बे में हमको अपनी जिंदगी सेट करनी है ये जिंदगी के कामयाबी का मंशूर है और उसी के दायरे में हमको सोचना है इसी मुरब्बे में हमको सोचना है यही हमारा लॉन्ग टर्म गोल हमारी जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला है या निसाब है इस जिंदगी का और इसी चीज को अल्लाह तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर दो आयतम दो सौ एक में रब बना अतना फिर दुनिया हंसन तू वह फिलहिरत हंसनतों वना जबनार कह हमारे रब हमें इस जहां और आखिरत में कामयाबी दे देखिए और हमको जहन्नम की आग से बचा यहां पर वाजह तौर पर यह बात कही गई है कि सिर्फ जहां नहीं सिर्फ आखिरत नहीं बल्कि दोनों में फलाह मांग रहे हैं दोनों में कामयाबी मांग रहे हैं तो दोनों की कामयाबी मांगना जो है या उसको हासिल करने के लिए तगोदो करना उसके लिए मेहनत करना उसके लिए कोशिश करना ये दूसरी शर्त है कामयाबी कि हमारे जिंदगी का एक लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स रखते हैं बच्चे रखते हैं कि भाई एस में कोई बच्चा है मुझे नाइन्टी परसेंट मार्क्स लूंगा ट्वेल्थ में नाइन्टी फाइव परसेंट मार्क्स लूंगा मैं कोई सी ए टी पी एम टी वगैरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप करूंगा अच्छे मार्क्स लूंगा ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो ये गोल सेटिंग की एक मकसद अपनी जिंदगी का नजबुल तय करना और उसमें कामयाबी आपको मिलना ये कामयाबी की दूसरी शर्त कामयाबी की तीसरी शर्त है उसका नाम है तकवा तकवासनेस तमाम तर बुराइयां चारों तरफ फैली हुई हैं और उनसे अपने आप को बचाएं इस तरीके से कि हमारे पांव लहूलहान भी ना हो जाएं और हमारा जुब्बा भी ना फटे ये तकवा की डेफिनेशन है तमाम तर बुराइयों से अपने नफ्स पर काबू पाना ये तकवा ये इंसान के कामयाबी की तीसरी शर्त है मुझे मालूम है ख़ास तौर तो पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे सवाल करेंगे आप तकवा की बात कर रहे हैं, नफ्स को मारने की बात कर रहे हैं हमने देखे हैं कॉलेज में कितने आवारा बच्चे बद किरदार बद अखलाक बच्चे जो ड्रग्स तक लेते हैं शराब पीते हैं और इंतहा किस्म के बदखलाकियों में मुलविस हैं। और देख रहे हैं वो कामयाब है टॉप कर रहे हैं गोल्ड मेडल ले रहे हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जाम्स में उनको कामयाबी मिल रही है कैसे तकवा अगर कामयाबी की शर्त है तो उन्हें कामयाबी कैसे मिल रही है सुन लीजिए तकवे के बगैर भी कामयाबी हासिल हो सकती है लेकिन तकवे के बगैर जो कामयाबी मिलेगी वो कामयाबी होगी इबलीस की कामयाबी इबलिस भी कामयाब है अब तय कर लीजिए आपको खुदाई कामयाबी चाहिए या इबलीस ही कामयाबी चाहिए इसलिए प्यारे बच्चों स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे जापते बहुत सारे फार्मूले जब आप याद करते हैं उस तो जिंदगी गुजारने का एक फार्मूला अपने जहन में अपने दिलों में हमेशा के लिए एक नक्श कर लीजिए कि जिंदगी नफी तकवा बराबर सिफर रिपीट लाइफ माइनस equal इज इक्वल टू जीरो zero. तो जिंदगी अगर तकवे के बगैर है तो सिफर है उसे कोई अहमियत नहीं है वो लोग उनके पास जहानत है वो जो तलबा जो आप समझ रहे हैं ड्रग्स लेते हैं और खूब कामयाब हैं टॉप कर रहे हैं उनके पास खूब जहानत है अमारत है लेकिन हिदायत नहीं है और हिदायत हमारी ज़िंदगी का हासिल है बच्चों तकवे के बगैर कुछ नहीं हासिल हो सकता हकीकी कामयाबी की हम बात कर रहे हैं इसलिए जा बजा कुरान में इस तकवे का जिक्र है सुर इमरान सुर अमर तीन आयतम छहत्तर सुरहरान सर अमर तीन आयतम एक सौ दो इमरान सर अमर तीन आयत नंबर एक सौ अठानवे सुर यूसफ बारह आयत नंबर सत्तावन सुर झुमर सुर नम्बर उनतालीस आयत नंबर बीस और कई जगहों पर जो है इस तकवे का जिक्र हर जगह पर किया गया है और सिर्फ किया नहीं गया है इस तकवे के कई इनाम का का वादा किया गया है इनामत की बारिश हर फरमाते हैं सुरनफाल फाल सुर आठ आयम उनतीस में क्या ईमान वालों अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो तो वो तुम्हें एक फुरकान अदा करेगा फुर्कान क्राइटेरियन सच और झूठ को परखने की एक कसौटी, एक बसारत ये सिर्फ और सिर्फ तकवे से मिलती है अल्लाह तरह फरमाते हैं सूर्य बकरा सुर नंबर दो आयत्म दो सौ बयासी में जो तकवा इख्तियार करेगा उसे इल्म मिलेगा अल्लाह तरह फरमाते हैं सूर्यमरान सुर नंबर तीन आयतम एक सौ पच्चीस में कि जो तकवा इख्तियार करेगा उसको खसूस मदद स्पेशल मदद दी जाएगी अरतर फरमाते हैं सूर्य आराफ सूर्य नंबर सात नंबर पैंतीस में कि जो तकवा अख्तियार करेगा उसको ना डर होगा ना खौफ होगा अल्लाह तरफ फरमाते हैं सूर्य तलाक पैंसठ नंबर दो में कि जो तकवा यानी सीधे राह पर चलने वाले जो लोग हैं जो इख्तियार करेंगे तो उनके दिल जो हैं वो कुशादा किए जाएंगे हर फरमाते हैं सूर्य तलाकून पैंसठ नंबर चार में कि जो तकवा इख्तियार करेगा उसके मामलात में आसानी पैदा की जाएगी तो कामयाबी की डेफिनेशन अल्लाह ताला ने तकवा दी है तकवा कामयाबी की निशानी है, जिसके पास तकवा है वो कामयाब है और माइनस तकवा उसकी जिंदगी कितनी ही कामयाब दिखाई दे लेकिन वो सिफर है ज़ीरो। कामयाबी की दूसरी इसके बाद वाली यानी चार नंबर जो शर्त है उसका नाम है नेक नियति मैं खास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और खासतौर तो पर जो लड़के हैं लड़के बॉयज उनसे मैं ज़रा ये बात खास तौर पर कहने जा रहा हूँ कि नेक नियति ये कामयाबी की अगली शर्त है आप कामयाब होना चाहते हैं खूब खूब कामयाब होना चाहते हैं क्यों काहे किस बिना पर किस लिए आप कामयाब होना चाहते हैं दिलों को टटोलिया अपने बख्ती से ऐसा होता है बड़े मासूम बनते हैं हमारे ये लड़के उनके मां बाप जिंदगी की चक्के में पीसते रहते हैं अपने आप को जलाते हैं अपना पेट काटकर अपने बच्चों को कामयाब करते हैं उनकी फीस उनकी किताबें उनकी सारी चीजों के जरूरत को पूरे करने के लिए कितनी परेशानियों से गुजरते हैं वो अपने आप को अपने नफ्स को वो कैसे कैसे मारते हैं ताकि हमारे उनके बच्चे जो हैं वो कामयाब हो जाएं और फिर क्या होता है बदब्ती से हमने ये भी देखा है कि फिर ये होता है कि यही बच्चे जब कुछ कामयाब सो कॉल्ड कामयाब हो जाते हैं तब वो अपने माँ बाप को आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं कि यहां तक के वो उनको अपने माँ बाप को उनकी औकात याद दिलाना शुरू कर देते हैं उनसे कहते हैं जानते हैं अम्मी अब्बा जानते हैं मैं कौन हूं मैं टॉपर हूं मैं आर्किटेक्ट टॉप लेवल का हूं मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं जानते हैं और आप गांव से आए हैं आप सातवीं पास हैं क्या क्या नियत है आपकी आप कामयाब आप क्यों होना चाहते हैं और सिर्फ यही नहीं बदबकती से यह मंजर हमने ये भी देखा है कि उन मां बाप को फिर यह कहते हैं अच्छा कितना कितना खर्चा हुआ आपकी तालीम मेरे तालीम में कितना खर्चा हुआ आ, एक लाख साठ हजार लो एक लाख साठ हजार हिस्सा पूरा हुआ हिसाब पूरा हुआ माँ बाप से कहते हैं कि हिसाब पूरा हुआ एक लाख साठ हजार खर्चा किए हमने आपको अदा कर दी ये ये मामला तक पहुंच जाता है अगर आपकी ये नियत है आपके पास कितने ही नॉलेज आ जाए कितनी ही डिग्री आ जाए और आप कितने ही कामयाब हो जाए कितनी ही प्रॉपर्टी आ जाए कितना ही धन दौलत आ जाए लड़के लोग खास तौर पर सुन लें अगर ये आपकी नीयत है आप कितने ही कामयाब बज़ाहिर दिखाई दें आप कभी कामयाब नहीं हो सकते आप कामयाब नहीं हैं और जिंदगी में कभी भी आपको नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आएगी अगर ये आपकी नीयत है तो नेक नीयती कामयाबी की जामिन है तो कामयाबी की अगली शर्त है उसका नाम है नेक नीयती कामयाबी की अगली शर्त है और वो है सब्र इंसान में सब्र कितना है सब्र कामयाबी ज़मीन जामिन सब्र सिर्फ उस वक्त नहीं जब मुसीबतें आ जाए यहां तक पानी आ जाए तब सब्र करें अल्लाह एक ऐसी मुसीबत ही में तब सब्र करें सब्र का मतलब जमूद भी नहीं है कि हम भाई क्या कर रहे हैं आज दो तीन सालों से आप नहीं सब्र कर रहा हूं वो सब्र नहीं है वो आप एक जगह पर रुके हुए हो सब्र नहीं है सब्र से मुराद ये है कि आप कितनी ही मुसीबतों में पड़े हुए हैं तब भी सब्र करें और कितनी ही नियामतों में घिरे हुए हैं तब भी आप सब्र का कर, मुजाहरा करें किसी किस्म के जो है इंतजार का मुजाहरा ना करें सब्र और इस सब्र की अहमियत कुछ इतनी है कुछ इस कदर अहमियत अहम है, है कि अल्लाह ताला ने इस दीन हक में पुरान मजीद में अपनी सबसे बड़ी इबादत जो एक मुकम्मल निज़ाम हयात भी है नमाज उसके साथ सब्र को जोड़ा है अल्लाह ताला फरमाते हैं सुर बकर दो एहत नंबर एक सौ तिरपन में क्या ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद लिया करो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है देखिए नमाज हम जानते हैं कि सबसे बड़ी ताकत है हमारी और उसके साथ जिस चीज़ को अल्लाह ने शामिल किया है वो है सब्र यानी सब्र में कितनी ताकत है आप सोच लीजिए कि सब्र को कितनी अहमियत दी गई है तो ये सब्र जो है वो इंसान में होना उसके कामयाबी की दलील है इस सब्र के साथ एक छोटी चीज और जुड़ी जाती है उसका नाम है सिले की उम्मीद ना रखना कुछ भी आप नेकी करें लोगों के एहसान को पत्थर की जमीन पर लिख दो ताकि वो मिट न जाए और खुद जो आप एहसान करेंगे अगर लिखना ही है तो उन्हें रेत पे लिख दो ताकि वो फौरन भूल जाए सिले की उम्मीद नहीं रखें कि हम कुछ नेक काम करने हमको वो सिला मिलेगा दूसरे सिला मिलेगा इस दुनिया के आधे दुख मिट सकते हैं आई विल रिपीट इस दुनिया के आधे दुख मिट सकते हैं अगर हम नेकी करें और उसको भूल जाएं। सिले की उम्मीद करते हैं हम और घुरते रहते हैं तो सब्र करना और सब्र की खूबी और खसूसियत अपने अंदर पैदा करना ये कामयाबी की अगली निशानी है अगली दलील कामयाबी के लिए अगली शर्त है और उसका नाम है मुस्बत एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए यानी एटीट्यूड एटीट्यूड एक विनिंग होना चाहिए यस मैं कर सकता हूं मैं भी अच्छे मार्क्स ले सकता हूं मैं भी टॉप कर सकता हूं मैं भी कामयाब हो सकता हूं यह पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए यह मुस्बत फिक्र या पॉजिटिव एटीट्यूड से ही कामयाबी मिलती है इसमें कोई दो राय नहीं है कोई मिसाल दे हमें इस धरती की इस कायनात की कि जिसको मनफी निगेटिव सोचता है हमेशा और निगेटिव सोचते हुए उसको कभी कोई कामयाबी मिली है तो नामुमकिन बात है तो मुस्बत फिक्र जो है और ये मस्बत फिक्र आती कहाँ से कैसे अपने अंदर पैदा होती है मस्बत फिक्र मस्बत फिक्र या पॉजिटिव एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड के यस मैं कर सकता हूँ मैं कामयाब हो सकता हूँ ये विनिंग एटीट्यूड जो है वो अल अल्लाह से हासिल होता है अल्लाह पर तवक्कल करना अल्लाह और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करना सिर्फ और सिर्फ उसी से ही ये हासिल हो सकता है अल्लाह फरमाते हैं सुरह सुर तैतीस आयतम तीन में कि अल्लाह पर भरोसा रखो कि अल्लाह बड़ा कारसा, सिर्फ़ अल्लाह कारसा से, और अल्लाह फरमाते हैं सुरयूसुफ बारह आयत सत्यासी में कि जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते सिर्फ वही मायूस होते हैं तो मायूसी हमारे अंदर क्यों आती है जब हमको अल्लाह पे तवक्कल ना हो तो फिर हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और इस हद तक निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि मुकम्मल निगेटिव सोच के अंधेरों में ही घिरे रहते हैं लापर तो रखना और पॉजिटिव एटीट्यूड मुस्बत फिक्र आपके अंदर होना यह कामयाबी की दलील है कामयाबी की निशानी कामयाबी की अगली शर्त है और वो यह है कि आप हर किस्म की तनकीद को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार करना मैं नौजवानों से भी कह रहा हूं और सबों से कह रहा हूं इस बात कि अपने आप को तैयार करना कि यस मैं हर किस्म की तनकीद को बर्दाश्त करूंगा अपनी ये जो जिल्द है जो चमड़ी है नौजवानों इसको जरा मोटी बना लीजिए ताकि किसी भी किस्म की कोई तनकीद आप पर हो तो उसको आप बर्दाश्त करें तनकीद तो अच्छी चीज है उससे बुरी चीज है नुकता चीनी और बदतरीन चीज है ऐब जूई तो आपको सोचकर मायूसी होती है और उससे नाकामी होती है उसकी वजह से आप कभी कामयाब नहीं होते जब आप ये सोचते हैं बार बार भाई मैंने किसका क्या बिगाड़ा है लोग मुझ पर क्यों तनकीद कर रहे हैं तनकीद तो नुकताची ऐब जुई कर रहे हैं क्यों मैं बड़ी अखलास के साथ बड़े खलूस के साथ बड़ी नेकनीयति से काम कर रहा हूँ खुद का पैसा लगा रहा हूं खुद का वक्त दे रहा हूं और उसके बावजूद लोग मुझ पर यह नुकताचिनी क्यों कर रहे हैं सुन लीजिए हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है इसलिए हर एक को एग्री या डिसएग्री आपसे इतफाक करना या इख्तलाफ करने का हक हाँ हासिल दिल हमको मालूम है आपका उस वक्त दुखता है कि जिसकी जो फील नहीं है उसमें भी वो चोंच जड़ाता है उसमें भी आपको मशवरा देता है राय देता है तब बोलते कि यार ऐसा क्यों है तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि आज अक्सरियत हमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकता चीनी में लगी हुई है तमाम तर बेदारी और जागृति और अवेयरनेस के बावजूद आज खुद हमारी कौम में भी कौम की फलाह बहबूदी के लिए सिर्फ दो परसेंट लोग काम कर रहे हैं नौजवान सुन लें कि सिर्फ दो परसेंट लोग आज हमारे कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं और 98 एट परसेंट लोग जो हैं वो सिर्फ चीनी कर रहे हैं ये रेशो है इतना खतरनाक रेशो है वो दो परसेंट अलहमदिल्ला फुल टाइम कर रहे हैं और 98 एट परसेंट फुल टाइम क्या एक्स्ट्रा टाइम लगा लगा के कर रहे हैं तो ये हमको बर्दाश्त करना है और ऐप जुई वगैरह के ताल्लुक से हमको जरा भी फिक्र नहीं कर रही है क्योंकि अल्लाह पर लानत भेजी है, तो है सूरह हमजा एक 104 आयत आयम एक में कि बड़ी खराबी है उस शख्स में जो आय टटोलने वाला और गीबत करने वाला है। जो आय टने वाला, वाला है उस पर अल्लाह ने जो है वो लानत भेजी है हमको उसे फिक्र की जरूरत नहीं है और अगर आप सच हैं तो सच ही जीतेगा अल्लाह तरमाते हैं सोरे 17 सत्रह आयमर 81 में कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया क्योंकि बातिल तो मिट जाने के लिए ही है तो अगर आप हक पे हैं सच्चाई पे हैं तो ये सुनहरी आयत आपके जहनों पे आपके दिमागों पे आपके सामने हमेशा होनी चाहिए कि हक की ही हमेशा जीत होगी कामयाबी इसे कहते कामयाबी के लिए अगली शर्त है और उसका नाम है वक्त की पाबंदी या वक्त की कदर वक्त की कदर के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती जो कौमें आज हमसे मेलों आगे गई हैं वो वक्त के साथ चल रही हैं इसलिए वो कामयाब हैं इसलिए वक्त को जाया करना वक्त को गंवाना और उसके बाद में हम ये सोचना कि कामयाबी ऊपर से हम पर नाजिल हो जाएगी उतरेगी नामुमकिन बात वक्त कदर हमारी कौम को हमको सिखाई जा रही है और हम दूसरों से सीखें जिसको इस दुनिया की सबसे बड़ी इबादत जो है वो वक्त के साथ महदूद कहा गया है नमाज कभी भी किसी भी वक्त नहीं पढ़ना है वक्त उसके लिए तय है उसका महदूद वक्त है उसको अगर वक्त की पाबंदी या वक्त की कदर सिखाने की दूसरी कौमों को जरूरत आ जाए तो उससे बड़ी हमारे लिए बुरी बात और नहीं होगी और उसके लिए करना क्या है सुन लीजिए जो भी खास तौर पर हमारे नौजवान स्टूडेंट्स अगर ये उनको एहसास हो रहा है आई विल रिपीट कि अगर आपको यह एहसास हो रहा है कि आपका वक्त जाया हो रहा है तो आप कामयाब हैं अगर आप किस वजह से वह जाया हो रहा है उसकी अगर एक लिस्ट बनाते हैं लिखते हैं इस वजह से ये मेरे नुक्कड़ों पे जा रहा है दोस्तों में जा रहा है रेस्टोरेंट में जा रहा है और जो साइबर कैफे में जा रहा है वीडियो गेम्स में जा रहा है टेलीफोन या मोबाइल पे मेरा वक्त जाया हो रहा है इसकी अगर आप लिस्ट बना सकें तो आप बहुत कामयाब हैं और अगर उन सारी चीजों की लिस्ट बनाने के बाद उन सारी चीजों पर अगर आप काबू पा सकें तो आप जबरदस्त कामयाब हैं कामयाबी इसे कहते हैं कि वक्त के साथ चलना है और वक्त को हम कोई नहीं कर कामयाबी की अगली शर्त है और उसका नाम है यकसुई यकसुई यानी कंसंट्रेशन, यानी फोकस करना किसी चीज पर ध्यान देना कि यस मुझे यह काम जो है इतने वक्त में यह पूरा करना है यक्सुई कामयाबी की एक बहुत बड़ी शर्त है कंसंट्रेशन, फोकस करना और ये क्या होता है क्यों जहन भटकता है और क्या होता है और यक्सुई या फोकस करना या कंसंट्रेशन किसे कहते हैं मैं खास तौर पर स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ बच्चों आपने आपकी साइंस के लैब में मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा उस मैग्नीफाइंग ग्लास की खूबी यह होती है महद बाद या मैग्नीफाइंग ग्लास उसकी खूबी यह होती है कि जब सूरज की रोशनी के नीचे उस मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ते हैं और उसके नीचे कोई कागज़ रखते हैं तो वो कागज़ जल उठता है ये कागज़ जलाने के दो तरीके एक तो उसको मैच बॉक्स से माचिस से जलाएं दूसरा तरीका यह है कि करोड़ों मील दूर जो सूरज है वहां पे जाएं और वहां से जला के लेके आ जाएं लेकिन एक अजीब बात है कि करोड़ों मील दूर वहां पर वो सूरज है और उसकी रोशनी से उसकी रोशनी के सामने जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ते हैं और नीचे हम जब कागज़ रखते हैं तो वो कागज जल उठता है बच्चों मेरी ये बात जो है ये स्टेटमेंट जो है आधा अधूरा है अब पूरा स्टेटमेंट पूरी बात सुन लीजिए कि सूरज की रोशनी के नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास और उसके नीचे ये कागज को जब हम एक पॉइंट पे पकड़ते एक नुक्ते पे उसका सा हिलाएंगे तो पूरा दिन भी अगर पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है एक पॉइंट पे एक नुक्ते पे एक पॉइंट पे जब हम पकड़ते उसको तब वो जल उठता है बच्चों, इसको कहते हैं फोकस करना इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं दिल लगाना इस पढ़ाई में किसी काम इसको बोलते हैं फोकस करना इसको कहते हैं बना होता क्या है हम देखते हैं तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं अरे वो केमिस्ट्री का क्या होगा केमिस्ट्री हाथ में लिए अरे वो अलजबर का अरे अल्जबर हाथ में ले ली अरे अरे वो जो जॉमेट्री हाथ में लिए किसी का भला नहीं हुआ क्यों फोकस नहीं है इसका क्या होगा उसका क्या होगा उसका क्या होगा ये ये फोकस ये आपके अंदर पैदा होना चाहिए और ये इस दर्जे फोकस होना और अपनी बात पे अपने ध्यान को मरकूज रखना ये पैदा कैसे होगा कहां से आएगा साइंस के पास कोई कैप्सूल कोई टैबलेट बनी नहीं है कि कैप्सूल खाई पानी पी लिया और बिल्कुल जो है फोकस हो गए एक ध्यान बिल्कुल जहन भटकते रहता ही है और भटकता ही रहेगा कच्ची मिट्टी के बने हुए हम लोग ये फोकस करना ये जो है यकसुई कॉन्सेंट्रेशन ये आएगी कहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ आएगी नमाज नहीं, नमाज नहीं नमाज में खुशू से सिर्फ नमाज से नहीं नमाज में खुशु क्योंकि आज हमारी नमाजों का हाल क्या है सबसे तो पहली बात तो हम रकातें भूल जाते हैं चार रकात की इसमें तीन रकात के बाद में शॉर्टकट जो है वो सलाम फेर देते हैं अक्सर वेश रकें भूल जाते हैं दूसरी बात ये होती है हमारी नमाजों का हाल ये हमारे खुश का हाल ये है कि हमको नमाजों में ही हमको याद आता है जैसे हम नमाज पढ़ें नमाज में हमको याद आता है अरे वो गाड़ी की चाबी है ना वो मैंने फुला उस कबट में रखी है अरे हाँ वो फाइल है ना जो आठ भी से नहीं मिल रही थी वो मैंने वहां पर रखी है सलाम फेरते ही हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि नमाज में तूने मुझे बात याद दिलाई वो अल्लाह ने आपको बात याद नहीं दिलाई है आपकी खुशबू में मदाखिलत की है शैतान ने वो आप में जो है वो इंटरफेरेंस किया उसने आपकी खुशबू में मदाखलत की है तो वो वहां पर आपको चीजें याद आ रही है मतलब आपकी नमाज जो है वो कामयाब कई लोग हम में से कई लोग जो है, हैं, 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 हैं। खाने -खाने जो है, वो पूरा बनाते नमाज़ नमाज़ पढ़ते वक्त। है वो फायल, फायल के बाद में, मैं उसको लिखूंगा अल्लाह अकबर और उसके बाद में जो है मैं इसके बाद करूंगा और फिर जो है मुझे वहां पर जाना है वो पहले काम नहीं उससे पहले वहां पर अल्लाह अकबर सारा जो है टाइम टेबल तैयार होता है हमारी नमाजों में ये खुशु नहीं है खुशु सिर्फ़ और सिर्फ़ नमाज से ही पैदा होती है और नमाज की खुशु से ही आप में जो है कंसंट्रेशन या यकसी आएगी जहन भटकता क्यों है क्योंकि बुरे ख़्यालत बुरे बात जहन पे आती है और उसके लिए आपका हमारा वादा नहीं अल्लाह का वादा है अल्लाह फरमाते हैं सुरान कबूत सुरम उनतीस नंबर पैंतालीस में के बेशक नमाज जो है बेहयाई और फहश कामों से रोकती है नमाज फहश कामों से और बेहयाई से रोकती है अल्लाह का वादा है इसलिए नमाज के जरिए से ही आप में खुशु पैदा हो जाएगा और खुशु से ही आपके जहन पे यसुई आ जाएगी वरना जो स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ते वक्त वो केमिस्ट्री के गम में जो दुबले होते हैं उस शैतान उनको बहकाता है केमिस्ट्री पढ़ते वक्त बायोलॉजी का क्या होगा ये ख्याल सताता है वहां फोकस नहीं कर रहे हैं बायोलॉजी का क्या होगा वो ये शैतान उनको ये यकसुई ये फोकस करना यह कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ नमाज से आप में हासिल हो सकता है कामयाबी की अगली शर्त है उसका नाम है कोशिश क्या आप कितनी कोशिश करते हैं कोशिश और कामयाबी एक ही है क्योंकि अल्लाह तला अल्ला ने एक ही असा एक ही लाठी इंसान के हाथ में दी है उसका नाम है कोशिश कोशिश आप कितनी करते हैं भले ही आप कितने ही बिल्कुल नाकाम हो जाएं लेकिन कोशिश करना जो है वो कामयाबी है मैं इसकी मिसाल दूंगा फिर इसकी जो वहाँ से एक लोकल ट्रेन आ रही है वहाँ पर स्टेशन है और यहां से कुछ एक मजमु जा रहा है उस ट्रेन को पकड़ना है तो सब लोग बोलते हैं ये ट्रेन तो अभी ये चली जाएगी उसमें से एक नौजवान जो है वो दौड़ते भागते गिरते पड़ते वहां पहुंच जाता है वो प्लेटफॉर्म पे हाँपते कांपते पहुंचता है लेकिन तब तक ट्रेन जो है छूट चुकती है अब यह मजमुआ जो है वह आराम से वहां पहुंचता है उसकी हालत देखते है हाँप रहा है कहां पर सब लोग पेट पकड़ के हंसते बोलते कैसा पागल आदमी था खा मखा दौड़ के आ गया हम लोग ट्राई किए क्या क्योंकि हमको मालूम था ट्रेन हमको मिलेगी नहीं सुन लीजिए खौत हजरात और नौजवानों उस भीड़ में वही एक जियाला है उसकी एक ट्रेन छूटी है उसकी जिंदगी की हर ट्रेन नहीं छूटेगी और ये जो मजमुआ जो आराम से वहां पर गया कि ये ट्रेन तो हमारी चली गई उसकी जिंदगी की हर ट्रेन यही कहते हुए गुजर जाएगी कि ये ट्रेन हमको मिलने से रही बच्चों ट्रेन से मुराद अपॉर्चुनिटी मौका जिंदगी में हर आने वाला मौका अरे ये हमारे बस की बात अरे हम तो मुसलमान है नामुमकिन बात है अरे हम तो नहीं ये कर सकते अरे इसके बहुत मेहनत लगती है अरे इसके लिए बहुत अक्कल जिंदगी की हर ट्रेन उनकी यही कहते हुए छूट जाएगी तो कोशिश यानी ही कामयाबी है अल्लाह तला फरमाते हैं सूरह नजम सूरह नंबर तिरपन आदमी उनतालीस चालीस और इकतालीस में कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है और उसकी कोशिश देखी जाएगी और उसके हिसाब से उसको अज़र दिया जाएगा तो कोशिश का मतलब ही कामयाबी है कामयाबी की अगली शर्त है उसका नाम है कुर्बानी दरअसल कामयाबी जिस सिक्के का एक रुख है उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है कुर्बानी हम कामयाबी तो चाहते हैं अपने बच्चों को खूब खूब कामयाब होने देखने आते हैं लेकिन कुर्बानी देने के लिए हम तैयार नहीं हैं हम किसी किस्म की कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं वो देर कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं अल्लाह तला हमारा ही क्यों इम्तहान लेता है हमसे ही क्यों कुर्बानी मांग रहा है और कितनी कुर्बानी दें हम क्या कुर्बानी दें कैसे कुर्बानी दें हम और बल्कि यह तक कहते हैं कि क्यों है अल्लाह तला हम पे हम पीसे जा रहे हैं जिंदगी की चक्की में और ये कुर्बानी हम कैसे दें गलत बात अल्लाह ताला एक नहीं दो नहीं तीन तीन जगहों पर एक आयत रिपीट करते हैं कि ला नफसन सुर बकर सुरे दो आयत नंबर दो सौ छियासी सुर अनम सुर नंबर छह आयत नंबर एक बावन और सुर मोमिन सुर नंबर तेईस तीन जगहों पर एक आयत रिपीट हो रही है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को उसकी सकत या ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता ये अल्लाह का और सिर्फ यही नहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं सूर्य दस नंबर चौवालीस में क्या कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करते ये इंसान ही है जो अपने आप पर जुल्म करता है क्या होता है इसमें बाहर हा आप सोच लीजिए कहां पर गलतियां हो रही हैं कि कभी कभी हम हाँ अपने बच्चों को नकल में अकल मारी जाती है देखा देखी अपने बच्चों को कुछ बड़ी चीजों में धकेल देते हैं जो उनके बस की बात नहीं है और उसके लिए कर्ज दर कर्ज निकाले जा रहे हैं और उसके लिए जो है कुछ ऐसे ख्वाब बिलावज देखे जा रहे हैं कि मुकाबला आ रही हो कंपटीशन हो सबक सिखाया जाए ऐसी जब बातें होती हैं और फिर जब हम मैदान में उतरते हैं तो यकीन नाकाम होती हैं। तो कुर्बानी कामयाबी की अगली शर्त है कामयाबी की अगली शर्त है उसका नाम है नेचर आपका चाहिए। कितना ही इल्म है आपके पास कितना ही नॉलेज है लेकिन आपके पास जो है वो इनकसारी होनी चाहिए वरना इनकसारी का उल्टा लफ्ज है तकबर और जहां कहीं भी अभी तकबर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है वो इबलीस का लेकिन इनकसारी से हम ये कामयाबी इसलिए हासिल कर सकते हैं क्योंकि सुन लीजिए खादिन हजरात इबलीस को पता था कि अल्लाह कितना बड़ा है उसे यह मालूम नहीं था कि वो कितना छोटा है तो ये तकबुर जो है वो कभी टिकता नहीं है और इनकसारी ही टिकती है तकबुर के तल्ल से बेशुमार आयतें हैं सुर नहल सुर नंबर सोलह आयत नंबर बाईस सुर हज सुर बाईस आयत नंबर नौ और कई जगहों पर और आधा फरमाते हैं सुर बनी इसराइल सुर नंबर सत्रह आयत नंबर सैंतीस में क्या और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो क्योंकि तुम जमीन को फाड़ नहीं पाओगे और ना पहाड़ के बराबर हो जाओगे तो ये तकबुर से इंसान को कोई कुछ हासिल नहीं होता सुन लीजिए किसी के पास कितनी ही धन दौलत हो अगर वो तकबुर से भरा हुआ है तो वो नाकाम है कामयाब नहीं है किसी के पास कितना ही नॉलेज और कितनी ही डिग्रियां हो अगर उसके पास तकबर है तो वो कामयाब नहीं नाकाम है किसी के पास कितना ही नॉलेज हो कितना बड़ा स्कॉलर हो कितना ही बड़ा मुफ्किर हो कितना ही बड़ा दानिशवर हो अगर मिजाज नहीं है तो वो कामयाब नहीं है कामयाबी की शर्त है इनकसारी और तकबर जो है वो उसका दुश्मन है इसके लिए सिर्फ यही बात नहीं हो रही कामयाबी की वक्त बहुत कम है बहुत सारी बातें थी इसको मैं समेट रहा हूँ चंद बातों के अंदर सवाल जवाब में इन मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छे सवाल आपकी तरफ से आ जाएं इस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं कि कामयाबी की अगली शर्त है और उसका नाम है दुआ दुआ हर मुसलमान का हर मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है दुआ सिर्फ़ हमको मुसीबत में नहीं करनी है। दुआ हमको हर बार करनी है जब खुश हो तब भी करनी है दुखी हो तब भी करनी है हर सूरत में हर हाल में दुआ कामयाबी का एक बड़ा हथियार है दुआ के बगैर हम कामयाबी कभी का हासिल नहीं कर सकते तो दुआ जो है और पूरा कुरान जो है वो दुआओं का मजमु है देखिए अल्लाह ताला को हमारी कितनी फिक्र कि हम दुआ सही से नहीं कर सकते हमको जानते भी नहीं कि दुआ कैसे की जाए अल्लाह को इसका इल्म है इसलिए पूरा कुरान जो है सुरह फातिहा से लेकर सुरह नास तक दुआओं से भरा हुआ है ये दुआएं हमको हौसला देती हैं हिम्मत देती हैं और ज़िंदगी और ज़माने से मुकाबला करने की और ज़िंदगी और आखिरत दोनों को सुधारने की बार बार हमको दुआएं कर रही हैं गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रही हैं कि हम जो भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसमें हमारी कोई बदनीयती नहीं है हमको हमारे वालदान को माँ बाप को कोई सबक नहीं सिखाना है उनको नीचा नहीं दिखाना है उनको ईजा नहीं पहुँचानी है उनको तकलीफ नहीं पहुँचानी है किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचानी है ये दुआएं बार बार हर एक के लिए हमको करती रहनी चाहिए कामयाबी की अगली शर्त है उसका नाम है सदका देखिए सदका सिर्फ माल का नहीं होता है सिर्फ जान का नहीं होता है सदका इस चीज़ का भी है कि आपके पास जो इल्म है जो नॉलेज है उसको आप दूसरों में कितना बांटते हैं उसका सदका क्योंकि हम देखते हैं कि बदबकती से हमारे यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो खूब खूब कामयाब हैं लेकिन उनकी वजह से हमारी मिल्लत और कौम का कोई नौजवान कामयाब नहीं है कई लोग ऐसे हैं टॉप लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको सारे ओलूम हासिल हैं जानते हैं लेकिन उनकी वजह से अगर किसी की जिंदगी कुछ बनी है तो सिर्फ उनके बच्चे हो सकते हैं इनके अलावा और कोई नहीं बच्चों की रहनुमाई करेंगे गाइडेंस करेंगे लेकिन उसके अलावा कोई नहीं हम देखते हैं हम, हमारे मोहल्लों में टॉप लेवल के स्कॉलर्स प्रोफेसर्स दानीश्वर रहते हैं लेकिन उन्होंने अपने मोहल्ले अपने बस्ती के पांच बच्चों का भी भला नहीं किया हिसाब होगा कि आपके पास जो नॉलेज जो इल्म अल्लाह ने दिया था उसको आपने कितना दूसरों तक पहुंचाया है कितना उसको फैलाया है सिर्फ अपने बच्चों की हद तक नहीं बल्कि दूसरों पर भी किसी इंसान के कामयाबी और नाकामी का पैमाना बैरोमीटर हम जब तलाश करते हैं कि इंसान कितना कामयाब है कितना नाकाम है तो हमको ये नहीं देखना है कि वो जाती तौर पर कितना कामयाब है बल्कि उसकी वजह से मिल्लत और कौम कितनी कामयाब है जो भी सकत है कोई काम छोटा नहीं होता जो जिसके बस में है कोई काम छोटा नहीं होता एक बादशाह अपनी आदि सल्तनत किसी को दे देता है और एक फ़कीर अपनी आधी रोटी किसी को दे देता है अल्लाह की नज़र में दोनों बराबर हैं बल्कि तो बड़ी कुर्बानी तो उस फकीर की है जिसे कुल कायनात एक रोटी है उसमें से आधी रोटी दे रहा है कोई काम छोड़ा जो जिसके बस में है जो उसके सखत में है वो काम हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो कामयाबी का दारदार इस बात पर है कि हम सिर्फ कामयाब हैं या अपने बच्चों को बड़ी खामोशी से बड़ी चालाकी से हम कामयाब किए जा रहे हैं खूब कामयाब कुछ इस तरीके से के पास पड़ोस में भी कोई सरगोशी कोई सुनाई न दे पास पड़ोस में मालूम ना पड़े कि हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे कामयाब हो रहे हैं तो ये कामयाबी नहीं है ये सरासर नाकामी है तो जो सदका आप की कामयाबी का निकालना सीखे खातन हजरा वो अगर आप देते हैं तो आप कामयाब हैं कामयाबी के, के कई सारे ऐसे उसूल हैं कि जिसमें अक्सर बच्चे हमारे पूछते रहते हैं कामयाबी के ताल्लुक़ से कि हम खूब खूब कोशिश करते रहते हैं खूब खूब मेहनत करते हैं फिर भी हम कामयाब नहीं होते तो क्या उसकी वजह तो उसके लिए आपको समझना चाहिए कि आप अगर दस बार गिरते हैं और ग्यारहवीं बार भी आप में उठने की ताकत और शक्त है तो आप कामयाब हैं तो दस बार गिरना जो है वो नाकामी नहीं है लेकिन ग्यारहवीं बार आप में उठने की ताकत और सकत होनी चाहिए तो आप कामयाब हैं जो लोग कहते हैं कि हम बार बार खूब मेहनत करते हैं खूब कोशिश कर रहे हैं फिर भी हम कामयाब नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है सुन लीजिए मैं एक मिसाल दूंगा एक बच्चा एक दरवाज़ा धकेल रहा था धकेल रहा है धकेल रहा है धकेल रहा है खुल रहे हैं सुबह दस बजे धकेलने को उसने शुरू किया और शाम को छः बजे तक धकेल रहा है दरवाज़ा खुल नहीं रहा है फिर शिकायत करता अल्ला से अल्लाह तो रही मक्री में धकेल धकेल खुलने रहा है शाम को उस बच्चे की उस के हैंडल पर पड़ी उस हैंडल पर लिखा हुआ था पुल अपनी तरफ खींचो जो दरवाजा अपनी तरफ खींच के खुलता है उसको वो दबा दबा के धकेल धकेल की कोशिश करा था तो खुलने की देख लीजिए कि कामयाबी

गलत समत में हुई गलत डायरेक्शन में हुई सही किताबें आप नहीं पढ़ रही सही तरीक़ा नहीं है याद रखने की टेक्निक आपकी गलत है तो आप सिर्फ और सिर्फ नाकाम हो जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए खौतिन हजरा मैंने कामयाबी की जो बुनियादी असूल हैं उनको आप तक बहुत हद तक और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश की है व आखिर दावाना अभी आप मुबारक कापड़ी साहब से कामयाबी के राज कामयाबी के असूल और कामयाबी के गुर सुन रहे थे और उनकी तकरीर हमें यह हौसला दे रही थी और ये सबक दे रही थी कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो पार्क में बोलो जायज़ गुबारों पे उड़ो चरख पे झूलो पर एक सकुन बंद आजिज़ की रह याद अल्लाह को और अपनी हकीक़त को न भूलो हमारे पास काफ़ी सवाल आए हैं जावेद शेख एक अखालबिल में इंजीनियरिंग के उनका सवाल ये है कि आखिर दुनिया में मुश्किल आती ही क्यों हैं हमारे नौजवान अक्सर यही सोचते रहते हैं कि क्या वजह मुश्किल क्यों आती है भाई ऐसी में सजा के सब आसानियाँ अल्लाह तला ने देनी चाहिए कि मुश्किल आती है क्यों है कामयाबी नाकामी का मामला ही ख़त्म हुआ होता अगर न मुश्किल नहीं आती तो सुन लीजिए यानी ये वो चाहते हैं कि गुलाबों के फूल सब तरफ बिखरे हुए हों लेकिन उनमें किसी में भी कांटा ना हो दिन ही दिन हो लेकिन उसकी रात ना हो आसानी ही आसानी हो सुन लीजिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सुरे मुल्क सुरे नंबर सड़सठ आयत नंबर दो में कि दुनिया एक आजमाइश है इम्तहान है एग्जाम है दुनिया हम सब स्टूडेंट्स हैं कुरान उसका सिलेबस है और हम जो हैं वो यहाँ पर पर्चा लिख रहे हैं ये अल्लाह का फरमान है तो के लिए आए यहां पर उसका एक टेस्ट है उसकी आजमाइश है दूसरी अहम बात सुन लीजिए बहुत गौर से सुन लीजिए जिसने भी सवाल पूछा है उसे वही नहीं कि हम सोचते हैं कि आसानी आसानी पैदा हो जाए सुन लीजिए उसके लिए कि कामयाब होने के लिए जितनी मेहनत लगती है आई विल रिपीट कि इंसान को कामयाब होने के लिए जितनी मेहनत लगती है उतनी ही मेहनत और उतनी ही एनर्जी लगती है नाकाम होने के लिए कैसे कामयाब होने के लिए क्या लगता है मैं बताया आपको तकवा इनकसारी, मेहनत कमिटमेंट यकसुई वक्त की पाबंदी इसमें हम अपने आप को खपा रहे हैं जला रहे हैं और हम कामयाब हो रहे हैं नाकाम होने के लिए क्या लगता है हसद जलन गिबत लोगों की बुराई लोगों को नीचा दिखाना कुड़ते रहना लोगों को कामयाब होकर खौतिन हजरात और प्यारे बच्चों उसमें भी उतनी ही ताकत और उतनी ही एनर्जी लगती है फर्क सिर्फ यही है कि ये एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में है मुस्बत समत में है और ये इधर की ये जो एनर्जी है ये मनफी समत में है निगेटिव डायरेक्शन में एनर्जी उतनी ही लग रही है उतना ही हमारा टाइम जा रहा है उतनी ही ताकत सर्फ हो रही है तो क्यों ना हम पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें क्यों ना हम सही डायरेक्शन में अल्लाह के में काम करें इधर काम करने की बजाय अगर आप में से कोई यह सोच रहा है कि मैंने आज तय कर लिया कि कामयाब नहीं होने का अपने को नाकाम होने का है तो नाकाम होने में भी उतनी ही ताकत लगने वाली है उतना ही टाइम वेस्ट होने वाला है और निगेटिव तरीके से तो आपके आसाब पर और टेंशन आएगा आपके आसाब और जकड़े रहेंगे तो उससे बेहतर यह है कि अल्लाह का ये फार्मूला मान लो कि दुनिया एक इम्तहान है और पॉजिटिव डायरेक्शन में आप काम करना शुरू कर दो आयशा खानम एक टीचर हैं उनका सवाल यह है कि इस इज्दवाजी जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की जाए अच्छा तो सवाल है हम कामयाबी की जब सारी बातें कर रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स से हम मुखातब नहीं हैं बल्कि सबों से मुखातब हैं और जिंदगी की कामयाबी के सारे फार्मूले आज हम तय करने के लिए बैठे हैं तो इसमें यह भी हम समझ लेंगे जिंदगी या मैरिड लाइफ उसमें कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है और मैरिड लाइफ जो है मियाँ बीवी की जिंदगी जो है वो नाकाम क्यों होती है और उसके लिए वहां पर कामयाबी का फॉर्मूला क्या है सुन लीजिए फिर से हम जो है रोशनी हासिल करते हैं किताबें मुबीन से पहले ये सुन लीजिए कि अल्लाह ते मिया बीवी के जो, जो जोड़े बनाए हैं उसकी वजह क्या सबब क्या है अल्लाह तरमाते हैं सुरस आयत इक्कीस में कि हमने तुम्हारी ही जिन से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो सुकून हमारे घर तो बॉइलिंग चेम्बर्स हैं माँ बाप की झूठी अना की जंग मां बाप की झूठी अना की जंग में जीतता कौन है कोई नहीं हारता कौन है उनके बच्चे मुसलसल हारते रहते हैं जिंदगी की ये जंग ये जो बात की हुई है कि ताकि तुम सुकून हासिल करो अल्लाह तला दुआ का तरीका सिखाते हैं यहाँ पर हमको सुर फुरकान में सुर पच्चीस में, चौहत्तर में कि हमारे रब हमारी बीवियों और हमारे बच्चों से हमारी आंखों को ठंडक अता फरमा सुकून ठंडक और तो और सुनहरे अल्फाज से लिखने के लायक हर आयत है लेकिन ये तो ऐसी है कि जिसको हर मियाँ बीवी रोज रोज समझे और पढ़े सुर नंबर दो आयत नंबर एक सौ सतासी वन एटी सेवन उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उनकी लिबास हो और वो तुम्हारी लिबास है ये डेफिनेशन है मैरिड लाइफ ये तारीफ है अजदवा जिंदगी की लिबास से मुराद सिर्फ शर्म हया नहीं है लिबास प्रोटेक्शन कि आप एक दूसरे के प्रोटेक्शन हैं एक दूसरे है, के मुहाफिज हैं एक दूसरे के साथी हैं हमदर्द हैं दुख सुख से हर चीज़ के साथी हैं तो मामला बिगड़ता कहाँ भरे मर्दों को ख़ास तौर पर जब इस आयत का गलत तर्जुमा वो समझते हैं जो सुरसा सुरन निशा, भर चाहत तो में चौंतीस में कि मर्द औरत पर कौवा है तो कौाम नहीं समझता कि हम हाकिम हैं हम राजा हैं वो गुलाम हैं वो पैर की जूती है नहीं है आप कौाम है एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप जो है मुंतजिम हैं अब हेड हैं अल्लाह ने आपको हेड बनाया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो हैं वो बादशाह हैं और वो लौंडी है और वो, वो पाँव की जूती है नहीं है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो खूब खूब खुँ इसमें होनी चाहिए इसके ताल्लुक से एक और बात मैं करना चाहूँगा जल्दी से कि अंडरस्टैंडिंग जो तो चीज़ होती है वो क्या होती है सुन लीजिए और जरा मर्द हजरा जरा सोच लें कुछ ऐसा निज़ाम उल्टा होता तो क्या होता कि मर्द जो है वो बिया देकर बीवी के घर पे जाए तो ऐसा निज़ाम होता है सोचिए क्या होता कितना मुश्किल होता हम लोगों को एडजस्ट करने के लिए उनकी माँ बाप को अपने माँ बाप बोलने का उनके बहनों को अपनी बहन बोलने का वहाँ एडजस्ट करने का अजनबी लोगों में सब है। कितना मुश्किल होता तो जरा इस चीज़ को समझिए जब तो वो आई जब कहती है कोई बीवी कहती है अपने शोहर से कि ये मेरे मामू हैं उसके पीछे कहानी है हजरत ए उसके पीछे कहानी है जब वो बीवी कहती है कि ये मेरे मामू हैं उसके पीछे कहानी है वो कहना चाह रही है कि मेरे मामू हैं जो जिन्होंने सबसे पहले मेरे हाथ पे घड़ी पहनाई थी जो सबसे पहले मुझे जो है वो अच्छी स्कूल बैग दी थी जो मुझे जब बंबई में पूरा पानी भर गया था तब जो है वो स्कूल में मुझे छोड़ने के लिए उस वक्त भी आए थे उसको से लेने के एक कहानी है इस कहानी को समझिए और जिंदगी इसलिए होती है नाकामी कि ये टकराव कंफ्रंट्रेशन ये जो है इसको ये करना है और एक ही फार्मूला है इसके लिए कि दो कदम पीछे हटना दस कदम आगे बढ़ने के बराबर होता है दो कदम पीछे अगर आप हटते हैं कि एक फर्ज कीजिए मिया बहुत गर्म है बहुत ही इश्तहाल है कैसा कि किया ये क्यों किया ये क्या वो क्या मालूम नहीं है कि आज दिन इतवार है फिर भी वो कह रहे हैं आज दिन मंगल है और तुम्हें मालूम है मंगल को मुझे काम ज्यादा रहा है आज इतवार है फिर भी कह रहे मंगल है और आज मालूम है कितना काम है बीवी बिल्कुल खामोश हो जाए तुझे तो तो मालूम है गलत कह रहे हैं आज मंगल नहीं है आज इतवार है फिर भी और जो कह रहे हो वो बात सही नहीं है यकतरफा खामोशी दस बीस मिनट के बाद अरे नहीं नई नहीं जो आज मंगल है आज इतवार है अब मुझे मालूम है मर्द की आना कभी उसे इजाजत नहीं देती कि सॉरी बोले माफ कर दो मैम लेकिन ये अगर पैदा होती है तो जिंदगी जो है खुशगवार हो जाएगी जाएगी गुलिस्तान बन जाएगी ये जिंदगी अगर टकराव की बजाय एक जब कोई बोल रहा है यक तरफा दूसरा आदमी बिल्कुल खामोश बीवी बिल्कुल खामोश हो जाए बीवी जब कुछ बोला है मर्द बिल्कुल खामोश हो जाए इसके जरिए से जिंदगी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल हो सके सवाल करते हैं कि अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए हम वालद क्या कर सकते हैं सवाल यह है कि कामयाब वालदान कैसे बन सकते हैं या वालदान कामयाब कैसे हो सकते हैं देखिए वालदेन पहली बात समझ लें कि ये जो बच्चे आपको अल्लाह दिए हैं खाली खेल खिलौने नहीं है खेलने की चीज़ें नहीं है। अल्ला हैं अल्लाह फरमाते हैं सुर तक सुर आयत नंबर पंद्रह में कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ उसका अज्र है जो भी उस आजमाइश में कामयाब हुआ उसको अल्लाह के यहाँ पर अजरे तो आजमाइश है एक टेस्ट है टेस्ट है अल्लाह का इम्तहान है अर्जा फरमाते हैं सूरत तहरीम में आदमी आयत में में क्या है ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल आयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है अपने आप को खाली बचाने का नहीं है अपने औलाद को भी बचाने का है उस जहन्नम की आग से और उनको उस जहन्नम की आग से बचाने के सारे सामान हमको तैयार करने हैं लिहाजा ये खेल खिलौने नहीं है ये बड़ी जिम्मेदारी है आप पर तो उसके लिए करना क्या है आप कामयाब कैसे बन सकते हैं कामयाब कैसे हो सकते हैं सुन लीजिए एक कामयाबी के लिए आपको करना यह है कि सबसे अहम चीज जो दरकार है आपको देना है आप दे सकते हैं अपने बच्चों को उसका नाम है वक्त आपको वक्त देना है अपने बच्चों के लिए और उसके लिए क्या करना है नंबर एक सबसे पहले आप अपने मामलात दुरुस्त कर लीजिए बच्चे माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं माँ बाप के झगड़ों को माँ बाप के मामला को अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए नंबर दो अपने बच्चों की घुट्टी में दीन 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 तकवा 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 पिला दीजिए उसको फिर आप आपको कहीं भेज दीजिए कहीं आते हैं मेरे पास गाइडेंस के लिए वालदेन कि हमें बच्चों को बाहर हम भेजें क्या क्यों खराब होने का बिगड़ने का डर रहता है ना बिगड़ने का डर जो है वो उनको रहता है जिन्होंने अपने बच्चों को तकवा उसकी गुट्टी भी नहीं पिलाया उनको डर रहता है तो आप वक्त दे, दे दें अपने बच्चों को अब जब वक्त देने की बात आती है वक्त देने की जो बात आती है अपने बच्चों के लिए यहां पर हो क्या रहा है बदकिस्मती से मुस्लिम जो समाज है उस समाज में आज सबसे ज्यादा सिंगल पेरेंट्स का तस्वूर जो है वो मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा है ने? बाप जो है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है बच्चों की जिंदगी में कहीं कहीं मजबूरी हम जानते हैं बाहर कमा रहे हैं कहीं बाहरी मुल्क में कमा रहे हैं रोजी रोटी के लिए हम समझते हैं लेकिन यहाँ पर होते हुए भी अपने बच्चों के साथ होते हुए माँ मा का रोल भी अदा कर रही है धोते और बाप का मामला कैसा होता है इस ताल्लुक से सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो बेचारे मजदूर लोग हैं दस दस घंटा बारह बारह घंटा काम कर रहे हैं टैक्सी ड्राइवर है वो खाली अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे ऐसा नहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी मामला वही है मैं जिसकी मिसाल दूंगा उसकी एक बीवी जो अपने शोर से कहती है भाई आप इतने पढ़े लिखे हैं आप इतने टॉप हैं ये हैं मैं हमेशा स्कूल में जाती हूँ ओपन डे पे जाती हूँ सब देखती हूँ होमवर्क करती हूँ एक मैं देखती हूँ सारे काम देख रही हूँ कम से कम आप थोड़ा सा उसको पढ़ाइए थोड़ा सा ये तो कर लीजिए अब बड़ी हुजत के बाद में बाप तैयार होता है अपने बच्चे की स्टडी लेने के लिए देखिए बाप स्टडी ले रहा है बच्चे की बच्चा है चौथी स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में चौथी क्लास में पढ़ रहा है बच्चा बाप जो है वो पढ़ाई ले रहा है वो स्टडी ले रहा है अपने बच्चे की चौथी क्लास में बच्चा है उसकी स्टडी की ले रहा है पढ़ाई ले रहा है कैसे ले रहे हैं बच्चे से पूछता है सवाल बच्चा ये बताओ कि बेल्जियम का कैपिटल क्या है अब्बा मैं फोर्थ में हूँ हाँ तो क्या हुआ बेल्जियम तो है कैपिटल भी है ना बताओ बेल्जियम कैपिटल क्या गे? है अच्छा ये बताओ कि फिलिपाइन की करेंसी क्या है अब्बा मैं फोर्थ में हूँ हाँ तो क्या हुआ बताओ नहीं बताओ अच्छा ये बताओ तुम कैसे साबित करोगे कि टीटा प्लस इज टू वन ऐसे तो अभी एडिशन मल्टीप्लिकेशन उसमें हूँ फौरन बुलाते हैं तो ले, आओ देखो अपने लाडले को तीन सवाल पूछा मैंने एक का जवाब एक का जवाब नहीं आया ये जो है ये भागने के रास्ते हैं बाप का रोल कुछ इस तरीके से होता है वक्त दीजिए तो आपके बच्चे जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे और आप भी कामयाब वालदैन कहलाएंगे व वा आखिर दावाना अलहमद ला रबीआलमी जजाकल्ला मुबारक कापड़ी साहब